जब हो जॉब का पहला दिन और पहले ही दिन मिल जाएं कुछ ऐसे ड्राइंग्स और बाहरी समस्या आपके साथ आ जाए क्योंकि किसी ने पढ़ना तो सिखाया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, घबराने की, आज सिविल गुरु जी आप लोग के साथ है और आपको सिखाएंगे ये लिस्ट ऑफ ड्राइंग जो आप यहां पर देख रहे हैं इनको किस तरह से रीड आउट किया जाता है, किस तरह से समझा जाता है इन सभी ड्राइंग्स को जो कि यहां पर आप लोग को दिखाई गई हैं। लिस्ट ऑफ आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, इतने सारे ड्राइंग्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा एम्ब्रेसिंग मूवमेंट होता होगा हम लोगों के लिए जब पहले ही दिन हमें ये सभी ड्राइंग्स मिल जाएं और रीड आउट करने में भारी समस्या है। साइड में सुपरवाइजर मौजूद है और वो सुपरवाइजर इन ड्राइंग्स को पटाफट पढ़ते हुए साइट पर वर्क एग्जीक्यूट करवा रहा है लेबर के द्वारा। लेकिन हमें इंजीनियर डिप्लोमा वाले या डिग्री वाले हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई नहीं सिखा रहा है इन ड्रॉइंग्स को रीड आउट करना। चलो आज समझ लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले जब भी आपके पास ये ड्रॉइंग्स पहुंचती है तो इनकी पूरी डिटेलिंग होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये कुछ डिटेलिंग है कि यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट की ड्राइंग लिस्ट अवेलेबल है जो कि आपको कब मिली है 8/10/2017, जिसका रिवाइज अभी तक नहीं हुआ है, एक बार रिवाइज हुई है बस, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखोगे प्रोजेक्ट की डेटा एनालिसिस एक्सेप्ट ब्लब प्रोजेक्ट, क्योंकि ब्लब प्रोजेक्ट है, पूरा जनरल नोट्स, प्रोजेक्ट प्रस्पेक्टिव, ड्रॉइंग एविएशन एंड सिंबल्स। इसके अलावा कुछ यहां पर ड्रॉइंग्स हैं तो ड्रॉइंग्स के नंबर कर देते हैं हम, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि A100 मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लान है, A101 मतलब फर्स्ट फ्लोर प्लान, A102 मतलब रूफ फ्लोर प्लान और A103 मतलब टॉप फ्लोर प्लान है ये यहां पर। अब ये कुछ एब्रीवेशन कर दिए, इनकी भी डेट दी गई है कि कब आपको मिला है ये, साथ में स्केल कि कितने स्केल पे बना है, 1:100 के स्केल पर बना है ये आपका। यहां पर डेट भी दी गई है और यहां पर इसका रिवाइज भी दिया गया है। इसके बाद कुछ और ड्रॉइंग है जैसे कि A200 जो कि एलिवेशन है आपका, एलिवेशन कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये कुछ तरह के एलिवेशन हैं। अब मैं आपको देखो दिखा देता हूं कि ये किस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो इस ब्लॉक की ये टोटल ड्राइंग्स हैं जो कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने आया हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका सबसे पहले एक ड्राइंग निकल के आया जो कि है ग्राउंड फ्लोर प्लान। देखिए मैं इधर आ जाता हूं और इसे देखेंगे आप ग्राउंड फ्लोर प्लान, तो कुछ एरिया स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। ये एरिया स्टेटमेंट क्या है देखिए यहां पर, एरिया ऑफ प्लॉट 1066.53 meter square, 1066.53 meter square, एरिया ऑफ बिल्डिंग है 438.93, मतलब प्लॉट है इतना और हमें जो बिल्टअप करना है वो इतना करना है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 41.09% है, 41.09% क्या है हमारी बिल्डिंग का परसेंटेज है, कितने पे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं टोटल प्लॉट के मुकाबले। परसेंटेज ऑफ रूफ फ्लोर प्लान, जो रूफ फ्लोर प्लान है वो है 6.66% पूरे प्लॉट का। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर प्लान की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर प्लान आपका 430.50 meter square का बनेगा, ये बिल्टअप एरिया है ग्राउंड फ्लोर प्लान का। फर्स्ट फ्लोर एरिया हो गया 466 meter square, इसके अलावा रूफ आपका 31.62 meter square रहेगा, रूफ मतलब जो छत रहेगी, छत में केवल इतना ही बिल्टअप कर रहे हैं हम, 31.62 meter square, मतलब जो हम एमटी बनाते हैं, स्टेयर टावर बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक रूम, जो इलेक्ट्रिक रूम बना रहे हैं हम, वो 8.41 meter square का रहेगा, नंबर ऑफ विला एक है ये, और यहाँ पर यूजेस ऑफ बाउंड्री वॉल, जो बाउंड्री वॉल हम बनाएंगे इसके बाहरी वॉल वो रहेगी 2.90 मीटर की, दैट इज 11.60% आपका ये कैरी कर रहा है। और एक बाउंड्री दिखाता हूँ आपको कि प्लॉट की बाउंड्री कहाँ है हमारी, ये जो आपको दिख रहा है ये वाली सरफेस ये है हमारे पूरे प्लॉट की बाउंड्री, और जो कंस्ट्रक्शन है वो इतने पार्ट में जो हुआ है ये केवल क्या हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसलिए आपको पता चला कि एरिया ऑफ प्लॉट तो 1066 meter square है लेकिन एरिया ऑफ बिल्डिंग 438.91 meter square में की गई है। अब समझते हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को कि ग्राउंड फ्लोर किस तरह से बनाया गया है आपका। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर ये यहां पर आया ग्राउंड फ्लोर प्लान, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान में आपको बताया गया है 430.50 meter square का हमारा क्या है एरिया है टोटल। अब इसके बाद कुछ डिटेलिंग है हमारी ग्राउंड फ्लोर प्लान में, मैं इसको सामने रख देता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से हमारा प्लान बन के आया है। अब इस प्लान के अंदर यहां पर फैमिली रूम है, ये स्टेयर है हमारा, गेस्ट रूम है इसमें, डाइनिंग रूम है हमारा, गेस्ट रूम है, यहाँ पर ऑफिस बनाया हुआ है, फैमिली रूम बनाए हुए हैं, स्टोर है, बाथरूम है, फिर यहाँ से भी एंट्रेंस दिया हुआ है, एंट्रेंस स्टेप दिए हैं यहाँ पर,
फिर इसके बाद आयरिंग के लिए रूम दे दिया है, यहाँ पे मेड रूम दे दिया है, किचन भी दे दिया है, यहाँ पर स्टोर दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से हमने बंगलो बनाया हुआ है। अब इस बंगलो में आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ डिटेलिंग दी गई है, जैसा कि मैं इसमें चलता हूँ गेस्ट रूम में, तो आप देखिए यहाँ पर गेस्ट रूम का हमें एरिया बताया गया कि गेस्ट रूम जो है आपका वो 21.11 मीटर स्क्वायर का है, 21.11 मीटर स्क्वायर का आपका गेस्ट रूम है। इसमें कुछ डिटेलिंग है, जरा ध्यान से देखिएगा वो डिटेलिंग क्या है कि ये F1, S1 और W1 और C1 दिया हुआ है गेस्ट रूम में, इसका मतलब क्या है। और यहाँ पर एक पार्ट और दिया हुआ है कि FFL से 0.75 मीटर ये ऊपर है, FFL मतलब फिनिश्ड फ्लोर लेवल से 0.75 मीटर क्या है ये ऊपर है, मतलब 750 mm ये है अब हमारे फिनिश्ड फ्लोर लेवल से, क्या ऊपर है हमारा गेस्ट रूम ऊपर है यहाँ पर। इसके अलावा आप देखेंगे कहीं और भी ये डिटेल लिखा होगा तो वहां पे दिखाता हूँ, जैसा कि आप स्टेयरकेस में देख रहे हैं तो ये भी आपका 0.75 मीटर फिनिश फ्लोर लेवल से अप है, प्लस मतलब अप, माइनस मतलब डाउन, क्लियर एकदम लेवल, यही होता है लेवल के बारे में। कमेंट बॉक्स में बताओ लेवल समझ में आया कि आपको, प्लस मतलब अप, नेगेटिव मतलब डाउन। अब चलते हैं यहां पर इसका मतलब समझ में चाहोगे क्या, F1 क्या है, S1 क्या है, W1 क्या है, C1 क्या है, क्या जानना चाहोगे कमेंट बॉक्स में यस लिखो, फिर समझाता हूं यहां पर कि किस तरह से F1, C1, S1 और W1 यहां पर दिया गया है। चलिए समझाता हूं यहां पर आपको, आप यहां पर चलते हैं थोड़ा सा नीचे इधर साइड में, तो एक टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर है शेड्यूल ऑफ फिनिशेस, इसको बोलते हैं शेड्यूल ऑफ फिनिशेस। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं शेड्यूल ऑफ फिनिशेस में यहां पर F1 दिया हुआ है, ये F1 और यहां पर दिया हुआ है फ्लोर, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, F1 मतलब फ्लोर के बारे में बात कर रहे हैं, और फ्लोर में F1 जहां भी होगा वहां पे आपको ग्रेनाइट लगाना है 600x300 और 20 mm क्या है इसका थिकनेस है, मतलब ग्रेनाइट का थिकनेस रहना चाहिए 20 mm का आपका। फिर यहां पर आपका F1 की कहानी पता चल गई आपको, दूसरा क्या था वहां पे S1, तो S1 मतलब स्कर्टिंग, जो स्कर्टिंग प्रोवाइड करनी है आपको 100 mm क्या रहेगा हाइट रहेगा, 100 mm हाइट रहेगा, 10 mm का थिकनेस रहेगा और 500 mm उसकी क्या रहेगी लंबाई रहेगी, लेंथ कितने तक लगाना है, मतलब जैसे इस तरह से हम बॉल पे लगा रहे हैं इसको, ये बॉल है आपका, अब इस बॉल में मुझे स्कर्टिंग प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पर इस तरह से प्रोवाइड हुई, ये स्कर्टिंग प्रोवाइड हुई, यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी मेरी 500 mm, ये हो गया मेरा 100 mm, और जो इसकी थिकनेस होगी, जो इसकी थिकनेस होगी यहां पर वो होगी हमारी कितनी 10 mm, ये हो गया S1। कुछ और भी डिटेलिंग दी गई थी वहां पर, आगे चलते हैं यहां पर कि और कौन सी डिटेलिंग है, इसको मैं अप लेता हूं, तो आप देखेंगे यहां पर W1 के बारे में बताया था, W1 मतलब होता है वॉल्स की बात कर रहे हैं यहां पर, W1 मतलब वॉल्स की बात कर रहे हैं कि वॉल्स पे कौन सा पेंट आएगा आपका, तो यहां पर लिखा है वॉशेबल इमल्शन पेंट आएगा इस W1 के अंदर, वॉशेबल इमल्शन पेंट, और यहां पर सीलिंग लिखा हुआ है तो सीलिंग पे कौन सा पेंट आएगा, C1 के अंदर है वॉशेबल इमल्शन पेंट। इसी तरह से C1, C2, C3, C4 इस तरह से डिटेलिंग दिया है, इसको बोलते हैं शेड्यूल ऑफ फिनिशेस। जब भी आप ड्राइंग पढ़ते हैं आपको मैं एक अप्रोच दे रहा हूं भाई, यहां पर एक अप्रोच सुन लीजिए ध्यान से कि जब भी आप ड्राइंग पढ़ें ड्राइंग के अंदर दी गई डिटेल जो आपके प्लान के अंदर दी गई हैं, जैसे कि आप ये प्लान देख रहे थे अभी, इस प्लान के अंदर जितनी भी डिटेल दी गई हैं आप उनके रिस्पेक्ट में जो डिटेलिंग साइड्स में दी जाती हैं, जो साइड वाले पोर्शन में आपको डिटेलिंग दी गई है, जैसे शेड्यूल ऑफ फिनिशेस हो गया या यहाँ पे फ्लोरिंग प्लान हो सकता था यहाँ पर, तो इस तरह से जो साइड में डिटेल दी गई है इनको पढ़ना है उनके रेस्पेक्ट में। अब देखो सोचो यदि आप इस ड्राइंग को पूरा देखते एक साथ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपको, यही बड़ा कारण होता है नहीं समझने का, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, इसमें दी गई डिटेलिंग को समझो। अब थोड़ा सा और चलते हैं इसके आगे, यहां पर आप देख रहे हैं कुछ मार्किंग दी गई है ABCDEFGH, दैट इज द सेंटर पॉइंट, जब सेंटर लाइन लेआउट करते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट है, तो ये बता रहा है कि आपको इन बॉल्स का भी सेंटर इस तरह से ही फोकस करना है, मतलब यहीं से ही आएगा पोर्शन, तो ABCD, तो यहां पर कॉलम्स भी होंगे कहीं ना कहीं पर, कॉलम्स यहां पर मौजूद होंगे जो कि आपके सेंटर लाइन लेआउट ड्रॉइंग्स में आपको दिए गए होंगे, क्योंकि ये क्या है आर्किटेक्चर प्लान है यहां पर। अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर कुछ नंबरिंग इधर भी दिए गए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल यहां पर कॉलम होता हमारा, तो इस कॉलम का ये क्या हो जाता, सेंटर पॉइंट हो जाता, क्योंकि यहां पर क्या है ये सेंटर मिल रहा है इसका, एक लाइन यहां से आई, एक लाइन ये वाली आई, और यहां पर हमारा क्या मिल गया, सेंटर मिल गया, तो ये होता हमारा सेंटर पॉइंट। आगे चलते हैं यहां पर, नेक्स्ट ड्रॉइंग जो कि अवेलेबल है ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान यहां पर आया हमारा, इसको मैं जूम आउट कर देता हूं, और ये हम पहुंचे फर्स्ट फ्लोर प्लान में, तो फर्स्ट फ्लोर प्लान में हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है फर्स्ट फ्लोर प्लान, ये यहां पर ये चीज एक्स्ट्रा आ गया, बाथ ड्रेसिंग, बाथ ड्रेसिंग, जबकि आप देखोगे इस वाले ड्रॉइंग में यहां पर एंट्रेंस स्टेप था, ये रहा हमारा एंट्रेंस स्टेप, लेकिन बाथ ड्रेसिंग यहां पर थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है एरिया ये वाला।
ये हो गया फर्स्ट फ्लोर प्लान जिसका टोटल एरिया है 466 मीटर स्क्वायर, जबकि आपके ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना था कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, ग्राउंड फ्लोर का एरिया कितना था आपके इस ड्राइंग रीडिंग के दौरान। आगे चलते हैं, यहां पर ये आ गया आपका रूफ प्लान। रूफ प्लान का एरिया है मात्र 31.62 मीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यहां पर इसमें बना हुआ क्या है, जो स्टेयर टावर है उसके ऊपर केवल ममटी बनाई हुई है मात्र, इसके अलावा रूफ प्लान में और कुछ भी नहीं बनाया हुआ। और ये तो पोर्शन आपका ये बना हुआ है जो आपका कर्व शेप में बनाया गया है, और साथ में ये आप देख रहे हैं इधर बनाया हुआ है हमारा क्या, बाउंड्री वॉल, जिसको हम पैरापेट वॉल बोलते हैं। ये पैरापेट वॉल हमें यहां पर प्रोवाइड करनी है इसके अंदर। इसके अलावा यहां पर देखोगे तो यहां पर भी फ्लोरिंग बताया गया 10.41 मीटर स्क्वायर, ये भी हमारा जो कि प्लस 8.55 मीटर है, मतलब फिनिश्ड फ्लोर लेवल से 8.55 मीटर ऊपर है ये जो बनाया गया है। पूरा लेवल लिख के देते हैं आपको ड्रॉइंग्स के अंदर, ये लेवल समझने रहते हैं हमको, एकदम इजी था। प्लस मतलब ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव मतलब बेसमेंट में जा रहे हैं हम, बस इतना ही। अब इसके बाद आगे चलते हैं यहां पर, तो यहां पर और भी ड्रॉइंग्स दी गई हैं। ये जो आप ड्रॉइंग देख रहे हैं ये है टॉप रूफ प्लान। टॉप रूफ मतलब जो आपका स्टेयर बन चुका है, स्टेयर टावर बन चुका है, उसके ऊपर का प्लान बताया गया यहां पर। इसका भी एरिया यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पैरापेट दिया गया है और यहां पर हमें उसके ऊपर स्टेयर टावर बनाना है। यहां पर आप लेवल देखेंगे, लेवल अप हुआ होगा, रूफ का लेवल है प्लस 8.67, मतलब ये रूफ पर है जहां पर हमारा फ्लोर फिनिश लेवल था। यहां पर देखेंगे टॉप रूफ जो है ये 12.25 हो गया, मतलब हमें इसे ऊपर उठाना पड़ेगा। कितना ऊपर उठाना पड़ेगा, यहां पर 8.67 और 12.25 में से माइनस कर देंगे, 12.25 माइनस 8.67, इतना ही मीटर इसको अप ले जाना पड़ेगा हमें, किसको, स्टेयर टावर को। ये उसके बारे में डिटेलिंग हो गई। अब आप देखिए यहां पर ये आता है एलिवेशन, ये एलिवेशन बन हो गया, ये हो गया फ्रंट साइड, हमारा बिल्डिंग कैसा दिखेगा वो ऐसा बता रहा है कि ये आपका एलिवेशन वन हो गया, जो कि आपका ये दिया हुआ है एलिवेशन वन। इसमें आपको यहां पर फ्लोर फिनिश लेवल अब समझ में आएगा, मैं देखो अब दिखाता हूं आपको फ्लोर फिनिश लेवल। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं फ्लोर फिनिश लेवल यहां पर हमारा मौजूद है, जिससे ये वाला पोर्शन जो है हमारा कितना अप है, 0.15 मीटर अप है यहां पर। ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन यहां पर पहुंच गए हम 0.75, यहां से इस लेवल से फ्लोर फिनिश लेवल से 0.75 क्या है अप है यहां पर। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं फिनिश फ्लोर लेवल है, ये 0.75 तक पहुंचे हम फ्लोर फिनिश से, ये हो गया 4.80 अप हो गया फर्स्ट फ्लोर, ये 8.55 और ये 12.25 मीटर हो गया। इस तरह से हमारे लेवल्स क्या है, इंक्रीज होते हैं, फ्लोर फिनिश लेवल हमारा यहां पर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये हमारे एलिवेशन टू आ गया, जो कि हमारे बिल्डिंग का कौन सा व्यू है जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, ये बिल्डिंग का कौन सा व्यू है हमारा, जिसके अंदर ये विंडोज दी गई हैं, विंडो लगी हुई हैं इधर, और विंडो के नंबरिंग भी किए हुए हैं। नंबरिंग मतलब विंडो की जो डिटेलिंग पढ़ेंगे उन डिटेलिंग में ये यूज होगा कि इस नंबर का विंडो है यहाँ पर। ये है बिल्डिंग का बैक व्यू, ये बिल्डिंग का बैक व्यू हो गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर समझते हैं, ये साइड व्यू हो गया बिल्डिंग का। इसके बाद एलिवेशन फोर, एलिवेशन फोर हमारा ये है, ये भी बिल्डिंग का क्या है, साइड व्यू है। अब यहाँ पर ये बिल्डिंग का सेक्शनल व्यू है। अब सेक्शन ए ए, देखिए सेक्शन ए किस तरह से कटता है, थोड़ा सा मैं डिटेल ले जाता हूँ आपको, सेक्शन ए ए किस तरह से कटा है यहाँ पर। तो आप देखिए ये वाला पोर्शन, यहां से हमने, ध्यान से देखिएगा सेक्शन को समझना, यहां पर हमने ये सेक्शन को कट किया और एरो कर दी ऊपर साइड, एरो किस तरफ है, ऊपर की तरफ, मतलब आपको ये पोर्शन दिखेगा, यहां पर एरो कर दिया ये वाला पोर्शन, अगर डाउन कर देता तो ये वाला, ये चीज दिखती है आपको, ये सब चीजें दिखती हैं आपको, लेकिन आपने एरो करा अप साइड तो आपको ये स्टेयर वाली चीजें डिटेल में दिखेंगी। तो चलते हैं दोबारा से सेक्शन में, अब आपको समझ में आया सेक्शन किस तरह से कटा है, ऐसे ऊपर से सीधा काट दिया तो ये चीज दिखेगी आपको, मतलब मैंने यदि ये ऐसे काटा तो मुझे ये दिख रहा है, लेकिन यदि मैं ऐसे काट के इधर एरो देता तो अभी आपको ये कैमरा दिखता मेरा, जो कैमरा यहां पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं मेरा। अब देखिए यहां पर मैं सेक्शन में ले चलता हूं फिर से दोबारा आपको, ये आ गया सेक्शन ए ए। अब ध्यान से देखिएगा सेक्शन ए ए जो कटा है यहां पर, ये आ गया सेक्शन ए ए हमारा। अब इस सेक्शन ए ए में आप देखेंगे स्टेयर केस है, जो कि इधर को जीरो मान रहा है, इसको जीरो के बाद यहां से हमने उठाया 180 और यहां से ये 190 यहां पर डायमेंशन दे रहा है इधर से। अब इसके बाद ये है हमारा डाइनिंग रूम, इधर डाइनिंग रूम है जिसका हमें डोर इस तरह से दिखाया गया है। ये हमारा ड्रेसिंग रूम है, फर्स्ट फ्लोर में ड्रेसिंग रूम है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर फैमिली रूम है, इसके जस्ट पीछे यहाँ पर फैमिली रूम, और ये हमारा स्टेयर केस, और यहाँ पर हमें लिफ्ट दी गई है ऊपर जाने के लिए, लिफ्ट दी गई है। इसके अलावा जो आपको ये पोर्शन दिख रहा था वो पोर्शन ये स्टेयर टावर जो था, वो स्टेयर टावर हमारा ये बना हुआ है। इसके बाद पैरापेट वॉल है, यहाँ पर पैरापेट वॉल आएगी हमारी, ये पैरापेट वॉल आया है हमारा,
और यहाँ पर हमें कॉर्निस निकाला हुआ ही कॉर्निस बनाया हुआ है इधर, तो इस तरह से ये हमें सेक्शन व्यू समझना होता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर सेक्शन बी भी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सेक्शन बी भी दिया हुआ है। इस तरह से कंप्लीट प्रोजेक्ट की डिटेलिंग होती है जो कि ये आपको सिखाई जाती है सिविल गुरुजी के प्लेटफॉर्म पर, सिविल गुरुजी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, ये सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं आपको। ड्राइंग रीडिंग के साथ साथ पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट का बिल्डिंग एस्टीमेशन सिखाया जाता है, बार बेंडिंग शेड्यूल सिखाया जाता है, इसके अलावा क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, सर्वेइंग वर्क, बिलिंग वर्क, आर्किटेक्चर प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, ये सारा पार्ट अवेलेबल है सिविल गुरुजी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो दोस्तों आज के बाद कोई आपसे ना कह पाए कि आप तो इंजीनियर है और आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आता, तो आप बताइए आज मैंने ड्राइंग पढ़ना सीख लिया है सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।